अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक माई हस्बैंड हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीजिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हसन, दिस इज़ अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज़ ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन की है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to, so basically ye mere husband ka dusra ghar tha jahan pe ghusne ka mera har haq hai, ye un ladkiyon ka ghar nahi tha। meri 13 saal ki shaadishuda zindagi ko bachane ke liye maine is ladki ko repeated warnings di thi। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने repeated warnings दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। I'm sure जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इतकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं, लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इतकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान, हु इज द सिस्टर ऑफ उज़्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था रिपीटेड वार्निंग से बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर, हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वेमेन, देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। आई जस्ट वॉन्ट Oh
बाजी के साथ कैसे बांटे कपड़ा बैठ रखो डाले में आकर।